यूपी के बैनपुरी जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते एक महिला का आशियाना अचानक धराशाही हो गया। हालांकि घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन विधवा वृद्ध महिला के सामने उसके परिवार के भरण पोषण की समस्या जरूर खड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि मैनपुरी के नगर पंचायत कुरावली के मोहल्ला कानून गोयान निवासी 60 वर्ष की विधवा वृद्ध महिला जयरानी अपने घर पर थी कि तभी अचानक बारिश के चलते उसका कच्चा मकान धराशाही हो गया, जिसमें हजारों का गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पीड़ित वृद्ध महिला ने बताया कि उसके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या जरूर खड़ी हो चुकी है। ये तो परसों गिरा है, पानी रात दिन बरसा है, हम भी बच गए हैं, हमारे बच्चे लोग भी बच गए, गिर गया है पानी में। कितने लोग रहते हैं इस घर में? इस घर में 5 लोग रहते हैं। अच्छा, सरकार योजना चलाती है आवास योजना कॉलोनी की, आपको उसका लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला भाई। क्यों, लाभ क्यों नहीं मिला आपको? कुछ नहीं, कागज वगैरह डरे सब देख के चले जाते, लेकिन हमको किसी ने मदद नहीं की। नगर पंचायत में आपने कहा? कहा हमने। क्या कह दिया गया? शिकायत करी हमने, लेकिन मुझे नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई पीड़िता ने बताया कि उसने आवास योजना के लिए कई बार नगर पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। मजबूरन वृद्ध महिला अपने परिवार के साथ बरसात के मौसम में तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हो गई। ऐसे में सरकार की उन तमाम योजनाओं पर सवाल उठता है जो पात्रों के लिए चलाई जाती हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही निकल कर सामने आती है। मैनपुरी से जनमत न्यूज के लिए गौरव पांडे की रिपोर्ट।